मरने का नहीं किसी के पीछे। वाह 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 वाह, आप लोग भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सारे आशिकों को ये गाना रिलेट करेगा। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है जरूरत, जो के JG47 तलहा अंजुम ऑफिशियल ऑडियो। सो ऑडियो है तो अभी इस पे हम रिएक्ट करेंगे बिना किसी देरी के। इसके सजेशन भी मुझे बहुत आ रहे थे तो अभी ये सुनते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में एक दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके सो स्टार्ट। म्यूजिक बड़ा प्यारा है, स्टार्टिंग के प्यारे म्यूजिक से हुई है। मौज में तू और मैं, तुझ में रहूं सदा जिंदा, पर तुझे ही ये क्यों ना दिखता, वाह हाल दिल जो है लिखा। जैसे धूप से छांव का पता पूछ रहा, सो लॉस्ट खो चुका, कब का कोई ढूंढे तो माने। मैं एक पहेली पहेली कोई बूझे तो जाने, पत्थर दिल रखती तुम ना समझोगी ये बातें। अभी जरूरत से जरूरत मैं तेरी जरूरत, अब नहीं तुम अंधेरी राह मंजिल मेरी दूर। अभी बोढ़ ले मोर नहीं चाहता टूटे सुरूर, अभी तब भी तुमको चाहा दिल से ना की अपनी मर्जी, जानते हुए के ये सब तेरे लिए है फर्जी। दुनिया है फानी कुछ भी नहीं बचेगा, इधर पढ़े ना तुझ पे कहर, बस यही रहती फिकर, गिरता पड़ता वही छोड़ गई तुझे इधर, मेरे दर पे आके देख कितने है दर्द, कितने है दर्द। अंधेरा कमरे में कमरा बंद, दो जख्म में बैठा पर लग रही ठंड। मैं मजलूम और खुदी में खुद पे जालिम, खुद को दो फतवे जैसे मैं ठहरा आलिम। छोड़ देश धर्म जात वात फिरका, बैठ बात कर लगा अपना जिरगा, बस मेरा बस रहा ही ना बस में, सुलझा इसे दर्द बना सर का, वो भी हल्की दिल का ये हल्का। सब बिखरा जो मामला था कल का, कहे लोग लगे रोग उस दिल के, और किसा वही बुरा बन बैठा लड़का। गाने लिखूं तुझ पे तो लगे मुकालमा, तुझे तब भी था डर अभी है तू आजमा। बेफिक्री में कहती कुछ हुआ ही नहीं, तुझे पता नहीं क्या कुत्ती चीज है खारमा। तुम अरूज मेरा तुम ही गरूब हो, जिस्म जैसे सर्द और तुम सर्दियों की धूप हो। ओहो दूर का कोई रूप हो, साहिल बड़ा दूर और जा रहा डूब। आओ कैसे झूठ सारे, तुमने दिए जहर भरे घूंट सारे, चल ढूंढ सारे जितने भी गिरे आंखों से बूंद सारे। You gotta wait for it, तेरे बस की ना, you're wrong girl, वरना तरसती ना। बस तू ना यही गम था, दुख था।
आनंद मिल रहा है ये ट्रैक सुनके। टूटे हुए कितने मजबूर थे, हम साथ ही तो थे लेकिन हम कितने दूर से, अंधेरा दोस्त और हम डरते रहे नूर से, दिले मजबूर मुखातिब दिले मगरूर से, तुझ पे लिखे कितने गाने तुझे पता ही नहीं, मैं दगादार एतबार अब कोई बचा ही नहीं, ये अच्छा नहीं कि हम दोनों मिलते ही नहीं, मुरझाए फूल बेहतर है कभी खिलते ही नहीं, नहीं नहीं तू वो नहीं जो मैंने तुझे समझा था, नहीं 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 अब मैं वो नहीं जो तेरे पीछे मरता था, हाँ मुझ में ईगो बहुत बोलो किस में नहीं है, इधर वो भी चौड़े में घूमते जो कुछ भी नहीं है, पर कुछ भी कर लूं तेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है, जैसा मुझे बनाना चाहती वैसी वो खुद भी नहीं है, जितनी एक्सपेक्टेशंस मुझसे वो लगाए बैठी उतनी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मुझे नहीं है, आई मेड दैट लव सॉन्ग और उसमें कहा था कि रहेगी मेरी जगह मखसूस तेरे दिल में, अब याद करूं तो दिस वन बार फकिंग किल्स मी, नशे में धुत होके दुनिया से लाइल्मी लिखता डीप, वो कहते कि ये लड़का फिल्मी, कम सी मी व्हेन आई एम फक्ड अप दैट्स द रियल मी। ओके सो ये था बहुत 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 ज्यादा प्यारा ट्रैक, इमोशनल ट्रैक, सारे आशिकों को ये गाना रिलेट करेगा। बताना किस किस को बहुत ज्यादा फील हुआ है ये गाना, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके सो मुझे ये ट्रैक बहुत प्यारा लगा, जोखे की वॉइस माय गॉड इसमें कितनी प्यारी लग रही थी, इन्होंने जो एकदम गाया है ना जिस तरीके से गाया है वो इतना बढ़िया लग रहा था, और ऊपर से गिटार के साथ भी खेला उन्होंने एंड में, मज़ा आ गया यार। ये ट्रैक बहुत प्यारा था, थैंक यू जिसने भी मुझे सजेस्ट किया, बहुत एकदम आनंद मिल गया मुझको। आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे होगे, एकदम ऐसे रिलैक्स वाली फीलिंग आती है ऐसे गाने सुन के, बट बहुत ही ज़्यादा था, मतलब क्या सीन है अभी मुझे बताना, क्या सीन है इनका। मैं अभी कुछ कुछ ऐसे गाने, पहले मैं सोचती थी कि लड़कियों के ऊपर गाने नहीं बन रहे, अभी देखो लड़कियों के ऊपर ही गाने बनने जा रहे हैं, क्या सीन है, किसका क्या हुआ है मुझे बताना ज़रा, अगर आपको पता है तो। वैसे जो भी है लड़की के लिए लिखा है जिसको वो याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपनी चीज़ें भी लिखी हैं कि क्या फील करते हैं वो उसके लिए, और फिर बोला कि तुझे कुछ भी नहीं दिखता है ये वो करके भी बोला, और जोके की काफ़ी सारी लाइंस एकदम, इवन तीनों ने ही शायरी अंदाज में, हमेशा की तरह शायरी अंदाज में तो ये लोग लिरिक्स लिखते ही हैं, इसमें कोई भी शक नहीं, ये लोग जिस तरीके से लिखते हैं वो तो भैया हम कभी सोच ही नहीं सकते। तो जोके ने काफ़ी प्यारी लाइन मुझे वाली लगी थी कि सब कुछ था पर तू नहीं यही गम था, दुखता है दिखता है दिल सस्ता यहाँ बिकता है, और ये भी बोला था कि बैठा सोचो में मैं कि रब किस्मत भी क्या लिखता है। अरे कितनी, मतलब मुझे तो वाह वाह करने का मन कर रहा था, बट ये ऐसे लिरिक्स में इतनी आसानी से लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा प्यारा ट्रैक था, और जिस तरीके से जोखे ने गाया ना वो बहुत मुझे अलग लगा, बहुत अलग फीलिंग, मतलब मैंने जोखे के सुने हैं मैंने ट्रैक, बट ये वाला मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा, एकदम गा रहे थे वो, जिस सुर लगा के गा रहे थे ना वो बहुत बढ़िया लग रहा था, और JJ47 की वॉइस भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी लाइन्स ये वाली बोली। ये भी बोला कि जिसमें जैसे सर्द और तुम मेरी सर्दियों की धूप हो, तुम खूब हो जैसे गुर का कोई रूप हो, वाह 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 वाह। भाई ऐसे ही करने का मन करता है, क्योंकि इनके लिरिक्स एकदम शायरी अंदाज में होती हैं, इतना दिमाग लेकर आते हैं ना, कहाँ से पता नहीं, जहाँ से भी लेकर आते हैं बहुत बढ़िया दिमाग है, हमारा भी होता काश। बहुत बढ़िया शायरी अंदाज में ये लोग लिरिक्स लिखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ऐसे ही ये और ट्रैक लेकर आए हैं, और हमको बहुत ही ज़्यादा एकदम आनंद वाली फीलिंग आए हमेशा इनके गाने सुन के, तो मुझे इनका गाना ये वाला बहुत प्यारा लगा। और तला अंजू ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लाइन्स बनाई हैं यार, और शायरी अंदाज में लिख डाला, और काफ़ी सारी लाइन्स मुझे उनकी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो
इससे तलांजुम के लाइन से और तीनों की लाइन से आप सीख सकते हो कि किसी भी लड़की के पीछे भागो मत। हाँ याद आएगी ब्रेकअप के बाद, याद आएगी, बट इतना भी बस मूव ऑन करो यार, मूव ऑन करो, सीखो इनसे, ठीक है। तो तलांजुम ने भी बोला ना कि तू वो नहीं जो मैंने तुझे समझा था, और अब मैं वो नहीं जो तेरे पीछे मरता था। समझ रहे हो, ऐसे ही करना है आपको भी। अगर वो नहीं दे रही है आपको भाव, तो इग्नोर करने का, बिल्कुल इग्नोर करने का, उसको छोड़ देने का, मरने का नहीं किसी के पीछे। तो बहुत बढ़िया लाइन लिख रखी थी, बहुत लोग फील करेंगे, मतलब फील करेंगे ही, रिलेट करेंगे। और वैसे आधी ज़्यादा दुनिया तो आशिकी में ही पड़ी रहती है, आप लोग बताना आप हो कि नहीं। सो काफ़ी बढ़िया लाइंस उन्होंने लिख रखी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगा। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने तेरे लिए जो लव सॉन्ग लिखा था, अब मैं उसको सुनता हूँ तो वो वार्ड्स मुझे हर्ट करते हैं। कि उसमें ये बोला था कि तेरे दिल में मुझे मखसूस रखना, मतलब हमेशा रखना आई थिंक, तो ये बोला था। तो अब वो मुझे हर्ट करते हैं, वो जब मैं अब वो मैं सुनता हूँ तो मुझे हर्ट करते हैं। तो यार ये तो सच्ची है ना, है ना। वैसे हुआ क्या है यार, अगर आपको पता है तो बताना। ये ट्रैक जब आया था तब क्या सीन हुआ था इनके पर्सनल लाइफ में, मुझे बताना। बहुत सारे लव ट्रैक सुन चुकी हूँ मैं इनके। तो खैर जो भी है, ऐसे भी ट्रैक अगर ये लेकर आते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया होते हैं, उसमें भी कोई कमी निकाल नहीं सकता कोई। और अच्छा लगता है जब कोई आर्टिस्ट नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है नई नई चीज़ों का। तो यस, ये भी मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा रिएक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आगे बताना मैं किस पर रिएक्ट करूँ। सो मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।